नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने शरीर में होने वाले फैट लम्स को कैसे अपने तरीके से रोका है। फैट लम्स क्या होते हैं? आपकी चमड़ी के नीचे एक गांठ सी हो जाती है, एक फैट का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। जैसा कि अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे मेरे हाथ पे है, अगर आपको दिख रहा हूँ पास से दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मेरे हाथ पे है, मेरे हाथ पे यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है। ऐसे मेरे शरीर में करीब 20-30 है, शायद 30 से ज़्यादा हो। पहले तो ये कैसे हुए, देखो ये कैसे हुए पे आते हैं, पर मैं डॉक्टर्स के पास गया, मेरे को ये फैट लम्स हो रहे थे, मैं डॉक्टर्स के पास गया। होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों को दिखाया मैंने, तो एलोपैथिक वाला कहता है कि भाई जिम जाना छोड़ दो, जिम जाने के कारण हो सकते हैं। मैंने कहा यार ये क्या सॉल्यूशन हुआ। होम्योपैथिक वाले ने कहा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, एक सॉल्यूशन है, एक इलाज है कि भाई सर्जरी करो, ऑपरेशन करवाओ और इनको निकलवा लो, लेकिन तुम उसके ऊपर टांका लगेगा, सिलाई होगी, तो ऐसे किसी के शरीर में 10-15-20-30-50 होंगे तो हर जगह पर उसके शरीर पर सिलाई के दाग हो जाएंगे, तो ऐसे या डिज्नी बन जाओगे एक तरीके से। तो वो भी इलाज नहीं था और मेरे और हुए जा रहे थे, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। तो और एलोपैथिक वाले ने भी ये कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका इलाज है ऑपरेशन करवा के निकलवा लो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें इलाज नहीं बताने वाला हूँ, मेरे को जो तरीका समझ आया जिससे मेरे और होने बंद हो गए मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे हो रहे हैं तो तुम इस तरीके को आजमाओगे तो तुम्हारे शायद और होने बंद हो जाए। मैं डाइट पे रहता था, जैसे मैं एक डाइट पर था जिसमें मैं करीब 150 ग्राम फैट खाता था रोज, करीब 130 से 150 ग्राम फैट। उस टाइम में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बहुत सारा दूध पीता था, घी तेल बहुत कुछ, तो करीब रोज का 130 से 150 ग्राम फैट खाता था। तो मेरे हर 2-3 दिन में ऐसा एक निकल जाता था, या शायद हर 2-3 दिन में ऐसे दो निकल जाते थे। तो मैं जैसे हम नहाते तो हम हाथ लगाते अपने तो हमें पता चलता है, तो मैं जैसे अपने हाथ लगाता था तो मेरे को एकदम से एक नया महसूस हो जाता, पैरों में काफ़ी महसूस होता है, पीठ पे महसूस होते हैं, हाथों पे महसूस हो जाते थे, तो मेरे को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, मैंने वो डाइट 3-4 महीने में बंद कर दी। उस बीच में मेरे को शायद ऐसे 10-15-20 हो गए होंगे, ऐसे हो गए होंगे। फिर उसके बाद में मैंने ये डाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ता था। फिर एक बार मैं एक डाइट पे था, तब मुझे काफ़ी नॉलेज होगी डाइट्स के बारे में, तब मैं एक डाइट पे था जहाँ पे मैंने 130 ग्राम फैट खाया, ये दूसरी तरीके की डाइट है। इस बीच में पहले वाली डाइट से अभी डाइट के बीच में मेरे को ये निकलने बंद हो गए थे और नहीं होते थे मेरी बॉडी में, समझ लो। तो मैंने 130 ग्राम फैट खाया तो फिर वापस से मेरी बॉडी में हर 2-3 दिन में एक निकल रहा है, हर 2-3 दिन में दो निकल रहे हैं। मैं करीब 10 दिन उस डाइट पर आऊँगा, उसी बीच में मेरे ऐसे 4-5 निकल गए होंगे, नई नई जगहों पर मुझे महसूस होने लग गया, आप हाथ लगाओगे खुद को तो हम महसूस होने लग जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद ही मेरी डाइट में फैट ज़्यादा है ना, इसके कारण हो रहा है, क्योंकि मैं बचपन से पला बड़ा हुआ ना, तो मेरी डाइट में ऐसे नॉर्मली कोई 50-60-70-80 ग्राम कोई बाहर खाने पीने चले गए, कोई शादी ब्याह के कोई जीमण में चले गए, दावत पे मतलब खाने पे चले गए, तो 60-70-80-90 ग्राम के बीच में रहता होगा मेरा, कभी इतना ज़्यादा खाता नहीं था मैं, पर मैं खाली स्पेसिफिक डाइट पे था तब मैं इतना ज़्यादा खा रहा था और मैं निकलने लग गए। तो मैंने अपने फैट को कम करा, मैं करीब 90-100 ग्राम के आसपास लाया, तो मेरे निकलने रुक गए। उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि लगभग 100 से 110 ग्राम फैट मैं रोज खाता हूँ ना अगर अपने खाने में, तो उसके ऊपर मैं जाने लगता हूँ ना, जैसे 100 से 110 के बीच में कोई लिमिट होगी, इसके ऊपर मैं जाने लगता हूँ जैसे 115-120, तो मेरे फैट लम्प निकलने लग जाते हैं। तब मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को करीब 100 ग्राम उसके अंदर ही रोक देता हूँ मैं, कोई भी डाइट पर रहता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ 90-95 ग्राम फैट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर 2-4-5-10 ग्राम कोई बाई चांस और खाने में आ भी जाए तो 100 ग्राम या 105 ग्राम से ऊपर नहीं जाऊँ, मैं 100 ग्राम के अंदर अंदर ही रहने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मेरे नए नए नहीं निकल रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप ये चीज़ करके देखो, आपको देखो जो हो चुका है उनका तो मेरे को इलाज नहीं पता,
डॉक्टर से भी नहीं मिला मुझे, और डॉक्टर ने तो मुझे ये बोला कि उन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे हो रहा है, इसका पता नहीं है कि कैसे होता है। लेकिन मैंने अपने शरीर पे देखा कि ये ज़्यादा फैट खाने से हो रहा है, क्योंकि जितना मुझे पता है और जितना मुझे समझ आया कि कोई कोई की बॉडी होती है जो ज़्यादा फैट मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, उसे सही से तोड़ करके सही से स्टोर नहीं कर पाती। तो जब आपकी बॉडी सही से फैट को तोड़ करके स्टोर नहीं कर पा रही, जमा नहीं कर पा रही, तब ये निकलने लग जाता है। आपकी बॉडी फैट को ढंग से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। मेरी बॉडी शायद एक दिन में 100 ग्राम तक ढंग से कर पाती हो, उससे ऊपर ना कर पाती हो। हो सकता है आपकी बॉडी में जो मेरी, अगर आपको भी ये दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा कभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको भी ये दिक्कत है तो हो सकता है कि आपको, अगर आपको ये नए नए फैट लंप हो रहे हैं तो हो सकता है आपको 120 ग्राम फैट से ज़्यादा आप खा रहे हो तो हो रहे, हो सकता है आप 70 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हो तो हो रहे, हो सकता है आप 50 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हो तो हो रहे, हो सकता है आप 100 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हो तो हो रहे हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी डाइट में कितना ग्राम फैट है इसको गिन करके अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव करके थोड़ा फैट कम कर करके देखो कि आपको ये होने बंद होते हैं क्या, कितने फैट पे बंद होते हैं, फिर थोड़ा बढ़ा के देखो कि उतने पे भी बंद रहते हैं क्या। इस तरीके से आप अपनी डाइट में चेंज करके देख सकते हो कि आपको ये फैट लम होने, डाइट में फैट कम करने से रुकते हैं क्या। मेरे हिसाब से रुकने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो काफ़ी और लोगों के साथ होना चाहिए। जैसे मैं आम इंसान हूँ वैसे बाहर भी बहुत सब आम इंसान है। अब बची बात, जैसे हम रोज का खाना पीना करते हैं जिसमें सब्जी फल का होता है, फलके के ऊपर घी होता है चुपड़ा हुआ, दाल होती है, दूध होता है, दूध में मलाई होती है, ऐसे जितना नॉर्मल रूटीन में हम ये खाते हैं 50-60-70 ग्राम 80 ग्राम से ऊपर फैट नहीं रहता है हमारे। और कभी हम बाहर जीवन में चले गए, कोई बाहर खाने पे चले गए तो उसमें भी अगर हम ज़्यादा चिकनाई वगैरह खा लेते हैं ना तो भी ये लगभग 100 ग्राम के अंदर अंदर रह जाता है। मतलब मेरे को बाहर कोई जीवन वगैरह में जाके खाने में, किसी घर पे मतलब खाना है वहाँ पे जाके खाने में, कोई शादी में खाने में, या फिर रोज अपने रूटीन में खाने में जो भी चिकनाई आती है ना उसमें मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है। जब मैं अलग से किसी डाइट पर रहता हूँ ना जहाँ पे मैं जानबूझ करके ज़्यादा फैट खा रहा था तभी मेरे को दिक्कत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आपको ये चिकनाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये हो रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि अपनी खाने में जो फैट है उसको थोड़ा कम कर करके देखो। हो सकता है आपकी बॉडी भी फैट को ढंग से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही हो, इसलिए आपको ये हो रहा हो, कम कर करके देखोगे तो आपका शायद ये ठीक हो सकता है। मुझे पता चला था, मैंने आपसे सोचा आप सबको बता दूं, अगर आपको ये दिक्कत है, आपके किसी जानकार को, भाई बहन दोस्त को दिक्कत है तो उसके साथ शेयर करो, उसका भला हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।